पंजाब दे खिलाफ है, रोटी उन्होंने रोटी किदा बचदी आ, शर्म करो मारे आप। अजय देवगन आ देख लो जेड़े पंजाब दे आगे पग्गां दस्तारा जईयां दस्तारा तुसीं सर ते। बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन की गाड़ी रोकने के मामले में मंगलवार यानी 2 मार्च को पुलिस ने आरोपी शख्स को गिरफ्तार किया है। 28 वर्षीय इस शख्स का नाम राजदीप सिंह धारीवाल है। राजदीप ने 2 मार्च की सुबह अजय की गाड़ी को बीच सड़क में रोककर एक्टर पर किसान आंदोलन पर चुप रहकर पंजाब के खिलाफ होने के लेकर काफी हंगामा किया था। उसके बाद अजय के बॉडीगार्ड ने पुलिस को बुलाया और दिडोंशी पुलिस ने राजदीप को अरेस्ट कर लिया। राजदीप सिंह धारीवाल पंजाब के रहने वाले हैं। बताया जा रहा है कि राजदीप NCP यानी नेशनल कांग्रेस पार्टी के लिए काम करते हैं। मुंबई पुलिस ने राजदीप के खिलाफ IPC की धारा 341, 504 और 506 के तहत मामला दर्ज किया है। बता दें कि राजदीप धारीवाल के खिलाफ प्रदीप गौतम ने शिकायत दर्ज करवाई है। दरअसल 2 मार्च की सुबह करीब 9 बजे अजय अपनी किसी फिल्म की शूटिंग के लिए गोरेगांव पूर्व स्थित फिल्म सिटी जा रहे थे। इस बीच फिल्म सिटी के गेट से थोड़ी ही दूर पहले राजदीप ने अजय देवगन की गाड़ी को रोक लिया। राजदीप अजय देवगन से कहने लगे कि दिल्ली में किसान इतने दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन आप उनके समर्थन में कोई ट्वीट क्यों नहीं कर रहे हैं? तुम्हें रोटी कैसे पचती है? तुम लोग पंजाब के खिलाफ हो, शर्म करो, शर्म करो। देख लो वहाँ बैठा किसान किस हाल में है। लगभग 15 मिनट तक अजय देवगन की गाड़ी रोके रहने के बाद घटना स्थल पर पहुंची पुलिस ने अजय देवगन का रेस्क्यू किया। उसके बाद अजय फिल्म सिटी के अंदर सेट पर गए। हालांकि बाद में पुलिस ने राजदीप को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन राजदीप भड़कते हुए पंजाबी में बोलता रहा, मेरे ऊपर गाड़ी चढ़ाओगे क्या? वे लगातार अजय पर चिल्लाते रहे। राजदीप के साथी ने उनकी रिहाई की मांग करते हुए कहा, राजदीप बस चाहते हैं कि अजय देवगन किसानों के लिए आवाज उठाएं, ये कोई अपराध नहीं है। पुलिस राजदीप का पक्ष नहीं समझ रही है। बता दें कि अजय देवगन बॉलीवुड के जाने माने एक्टर हैं। उनका जन्म पंजाबी हिंदू परिवार में हुआ है। वे पंजाब के अमृतसर के रहने वाले हैं, जबकि उनका जन्म दिल्ली में 2 अप्रैल 1969 को हुआ। अब तक 100 से ज्यादा फिल्मों में अपना अभिनय दिखा चुके हैं। फूल और कांटे से अजय ने अपनी फिल्मी कैरियर की शुरुआत की थी। उसके बाद जिगर, संग्राम, दिलवाले, दिलजले जैसी कई हिट फिल्में दे चुके हैं। उनकी हाल की फिल्म मैदान मेडे है, तो वहीं कृषि कानून के खिलाफ किसानों का धरना 3 महीने से भी ज्यादा जारी है। किसानों की मांग है कि सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस ले। किसानों के समर्थन में कई बॉलीवुड हस्तियों ने समर्थन भी किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ तक।